दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। भारत के जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सारे संस्थाओं में कहीं न कहीं हस्तक्षेप का सिलसिला जारी है। अब नई बात सामने आई है कि उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर अमीरों और धन कुबेरों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। कहा क्यों ऐसी बात तो सामने आई? आखिर उच्चतम न्यायालय जो स्वतंत्र संस्था है, जिस पर पूरे भारत के जनता को भरोसा और विश्वास है, अगर जनता को कहीं न्याय नहीं मिलता तो जनता न्यायालय की शरण में जाते हैं। लेकिन आज रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया जाता है और कमजोर संस्था को करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जस्टिस कमिटी ने इस बात का वर्णन किया कि धन कुबेर और बड़े लोग रुपया के बल पर भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने का यह सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 3-4 साल से इस तरह का कार्यकलाप किया जा रहा है, सुधार और स्वच्छ काम करने की इच्छा रखने वाले को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है और काम करने नहीं दिया जाता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी आज सामने आना पड़ा और कहना पड़ा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जैसे स्वतंत्र संस्था को किसने प्रभावित करने का प्रयास किया और क्यों प्रभावित करने का प्रयास किया, यह समझने का मामला है। दोस्तों आज 3-4 बरस कहा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 बरस यानी कि पिछले 5 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब CBI के निदेशक कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया, PMO के कहने पर फंसाया गया, ऐसा हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो जेल में हैं, लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं हो, वो बाहर नहीं निकले, उनकी केस की सुनवाई नहीं हो। मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, हो सकता है कि धन कुबेर और बाहुबली और जो बड़े हैं वो प्रभावित कोर्ट को कर रहे हो, जो कुछ जस्टिस को अच्छा नहीं लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट की भी प्रभावित किया जाता है पैसे के बल पर और ताकत के बल पर, और अगर इस प्रभाव में आने से इनकार करते हैं तो उन्हें किसी न किसी मामले में फंसा कर प्रताड़ित किया जाता है। अभी रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश है, उन पर उत्पीड़न का मामला है। अब बात यहाँ यह आती है कि आखिर हमारे देश के सारे संस्थाएं इन्हीं 5 बरस में क्यों खंडित हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों बदनाम हो रहा है, क्यों काम करने वाले जस्टिस हो या पदाधिकारी हो व्यग्र होकर सड़क पर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं या बयान दे रहे हैं। आजादी से लेके आजादी के बाद तक पिछले 5 साल तक कभी भी किसी संस्थाओं के अंदर से किसी भी तरह के गलत काम का बू नहीं आया, लेकिन पिछले 5 साल से CBI हो, ED हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अन्य संस्थाएं है, सारे संस्थाओं में खलबली क्यों है? आखिर कौन सा शख्स है जो इन संस्थाओं को प्रभावित कर रहा है? आखिर क्यों प्रभावित किया जा रहा है? क्या राजनीतिक द्वेष के कारण इन संस्थाओं का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है, या राजनीतिक क्लेश और प्रतिस्पर्धा के लिए ऐसा किया जा रहा है? स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि नहीं चलने दी जाएगी धन कुबेरों और अमीरों की षड्यंत्र को,
हम अपने संस्था को खंडित नहीं होने देंगे, हमारे संस्था को प्रभावित किया जा रहा है धन कुबेरों द्वारा, धन और बल के माध्यम से। तो ये सोच का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं पर लोगों का विश्वास है, उस संस्था के जो जस्टिस है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम भारत के लोग क्यों नहीं समझना चाहते, हम भारत के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि एक और चीफ जस्टिस पर आरोप लगता है, जस्टिस इस बात की को कह रहे हैं कि प्रभावित किया जा रहा है, एक और सीबीआई के मुख्य कहते हैं कि पीएमओ के आदेश पर लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया और उन्हें फंसाने के लिए दबाव दिया जा रहा था। तो मेरा उदाहरण स्वरूप हमने बताया कि ऐसे कई बड़े राजनेताओं को फंसाया जा रहा होगा राजनीतिक द्वेष के कारण, कई बड़े नेताओं को तबाह और तंग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। तो जो भी हो रहा है वो इन्हीं 5 साल में हो रहा है, और जब इन 5 साल में हो रहा है तो सरकार के प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही सारे संस्थाओं के स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों का अधिकार का हनन किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जाति धर्म में लोग को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म के नाम पर उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, तरह तरह का कुकृत कार्य किया जा रहा है जो आपको समझना होगा। दोस्तों अब आपको हर तरफ से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, प्रिंट मीडिया हो या अखबार हो, कहीं भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा। और मैं हमेशा सत्यता पर भी आधारित बात करता हूं। आपको अब सोचना होगा, इस देश को अगर बचाना है तो मौजूदा सरकार पर विश्वास नहीं करना होगा। मौजूदा सरकार विश्वास खो चुकी है, बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। और मौजूदा सरकार के कार्यकलाप को आप देख लें, समझ लें, फिर अपना मत किसी को दें। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।